हमारी मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, लेकिन हम इतने 75 साल की जो लोकतंत्र है इसमें जो हम लोग जब से होश हवास में ये जानते हैं कि बैलेट पेपर से हमारे देश में चुनाव होते रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव होने से दुनिया के दूसरे देशों में भी बैलेट पेपर से हो रहे हैं, तो लोकतंत्र तो तभी मजबूत होगा जब जनविश्वास रहेगा। जो बात आप कह रहे हैं मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, क्षेत्र पंचायत का चुनाव हुआ, क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में, ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव में, ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, जिस तरीके से आप लोगों ने दिखाया कि बीजेपी बहुत पिछड़ गई, तभी बीजेपी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, चूंकि वे लिमिटेड वोट थे तो उसमें मनमानी किया, धमकाया लोगों को, तरह तरह के प्रलोभन दे करके अपना रिजल्ट घोषित कर लिया कि हमारे इतने जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, इतने हमारे ब्लॉक प्रमुख हो गए। लेकिन क्षेत्र पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष में भाजपा का पूरा सूपड़ा साफ हो गया था, वो आप लोगों ने सब टीवी में और अखबारों में, मैगजीन में लिखा है। इसी तरीके से जो ये नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद का चुनाव है, ये बैलेट पेपर से हुआ है। बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में इनको दिख रहा है कि हम बुरी तरीके से पराजित होने जा रहे हैं, इसलिए इस तरीके की 15-4 को चुनाव आयोग में जैसे भी नियमावली बनी हो, ये नियमावली आप लोगों को भी नहीं बताई गई, प्रेस मीडिया के सामने भी नहीं गई कि हमने इस तरीके का कोई संशोधन किया है, लेकिन ये जानबूझ करके मतगणना में हेरा फेरी करने की एक इनकी योजना है। ये योजना कामयाब न हो इसीलिए आपके सामने अपनी बात हम लोगों ने रखी है। हमें नहीं, पूरे देश के लोगों को नहीं है, पूरे देश की 99% पार्टियां चाहती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये सभी जब पूरे देश की पार्टियां चाहती, आप ही लोग दिखाते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। मैं अभी इस चुनाव का कंफ्यूजन आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत से जगह हम जब सभा करने गए तो लोगों को ये नहीं मालूम कि नगर पालिका परिषद का चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है। बहुत से नेता अपना घिसा पिटा भाषण कर रहे हैं कि ईवीएम का बटन दबाइए। हमने कई जगह टोका कि भाई ये नगर पालिका परिषद का चुनाव है, नगर पंचायत का चुनाव है, इसमें मोहर का ठप्पा लगेगा। अरे हाँ हाँ, कह लगी है। इस तरीके का कंफ्यूजन जनता में रहा है। बहुत से लोग जनता ढूंढ रहे थे लोग कि हमको ईवीएम कहाँ दबाने को मिलेगा, क्योंकि विधानसभा में लोकसभा में वो ईवीएम दबाते हैं। जब उनको नगर पंचायत सदस्य का बैलेट पेपर मिला, जब उनको नगर पंचायत के अध्यक्ष का बैलेट पेपर मिला, जब नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का बैलेट पेपर, नगर पालिका परिषद के सभासद का उनको बैलेट पेपर मिला, तो वो तरह तरह के उनके कंफ्यूजन हुए। जब उनको फिर पीठासीन अधिकारियों ने बताया कि अरे भाई तुमको इस बार बैलेट पेपर मिला है, कहा अच्छा बैलेट पेपर हो गया। तो इस तरीके का कंफ्यूजन जानबूझकर हो रहा है। तो हमारी तो मांग है कि पूरा का पूरा चुनाव ईवीएम से न होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। अब वो तो बात एक अलग है, तमाम दैवी आपदाएं आ जाती हैं, उसको क्या करेंगे। लेकिन हम इतने 75 साल की जो लोकतंत्र है इसमें जो हम लोग जब से होश हवास में ये जानते हैं कि बैलेट पेपर से हमारे देश में चुनाव होते रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव होने से दुनिया के दूसरे देशों में भी बैलेट पेपर से हो रहे हैं, तो लोकतंत्र तो तभी मजबूत होगा जब जनविश्वास रहेगा। जनविश्वास नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। हमारी मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।